Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है जीरोधा के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप जीरोधा यूज़र हो, चार दिन पहले यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच आया था। और उस टेक्निकल ग्लिच में मतलब कभी कभी और जीरोधा की तरफ से ऑर्डर पंच हो रहे, कभी कभी आप अगर ऑर्डर पंच कर रहे हो तो वो एक्सचेंज के पास नहीं पहुँच पा रहा है। रीज़न बहुत ईजी से आपको दे देते हैं कि ये जो है टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है ये आपका हुआ था। ओके, और रूल्स में जब आपने अगर देखा होगा, जो आपने डीमैट अकाउंट जब ओपन किया होगा जीरोधा पे या फिर कोई भी ब्रोकर हो, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि अगर कोई भी टेक्निकल ग्लिच होता है तो इसका जिम्मेदारी जो है ब्रोकर का नहीं है। ठीक है, अगर लॉस होता है तो वो आपका जिम्मेदारी होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे साइन किया होगा या फिर जो है ई केवाईसी के थ्रू पे आपने वहाँ पे एग्री किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इशू ये है कि जो अभी चार दिन पहले जो हम लोग को यहाँ पे ग्लिच देखने को मिला था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो सोर्स है द इकोनॉमिक टाइम से ही है, और यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है जीरोधा हिट बाय टेक ग्लिच अफेक्टेड ट्रेडर डिमांड कंपनसेशन। तो बहुत सारे ट्रेडर्स का जो है लॉस हुआ था, मैंने पर्सनली देखा है। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो ट्विटर पे लोगों ने ट्वीट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहते इस वीडियो को भी देख सकते हो कितना इन्होंने जो है लॉसेस बियर किया है। और स्पेशली जीरोधा पे ही बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ है बहुत सारे ट्रेडर्स का। अभी तो सेकंड लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा ही हम कहेंगे, पहला तो जो है ग्रो आता है, और तीसरा जो है वो एंजल ब्रोकिंग या फिर एंजल वन कह सकते हैं, वो आता है। ठीक है, तो इन दोनों ने ही मार्केट को ज़्यादातर कह सकते हैं कवर अप किया है। तो यहाँ पे बात हो रही है जीरोधा के ऊपर पे। जीरोधा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था चार दिन पहले, मतलब 16 मिनट के आसपास हमें जो है ये जो ऐप है जीरोधा का वो काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पे हम लोग को लॉस देखने को मिला। राइट, तो इसके रिगार्डिंग जो है, जो आपने देखा होगा जो ट्विटर पे है, यहाँ पे बॉयकॉट जीरोधा चल रहा है ट्रेडिंग। रीज़न क्या है उसमें काफ़ी सारे लोग ये आप मतलब कहते हुए देखने को मिलेगा कि जो भी फंड्स आपके पास है अगर जीरोधा में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप विड्रॉ कर लो, क्या पता फिर बाद में अगेन ग्लिचेस देखने को मिलेगा, हो सकता है हमें फिर से ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और ये तो एक रुपये भी रिफंड नहीं कर रहे, तो फिर इस तरीके का ब्रोकर को यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ब्रोकर 20 रुपये पर ट्रेड ले रहा है तो अगर आप बाय सेल करते हो तो 40 रुपया वो हो गया, और इंक्लूडिंग GST भी आपको पे करना पड़ता है। तो फिर अगर ये इतना पे मतलब पैसा ले रहा है तो फिर एक क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो टेक्निकल ग्लिचेस है वो होने चाहिए, क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है। मतलब अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है, और जीरोधा के पास इतना पैसा है, तो ये टेक्निकल जो ग्लीचेस है ना, ये बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है अगर जीरोधा चाहे तो, बट वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो होता है ना कि चल रहा है तो चलने दो, बाद में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जब तक चल रहा है चलने दो। ठीक है, और इस तरीके के वजह से ये जो एटीट्यूड है जीरोधा का, इसके वजह से मतलब लोगों को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो रीज़न अभी समझते हैं ये जो बॉयकॉट जीरोधा का फिर से क्यों हैशटैग उठ रहा है। ये 2-3 साल पहले ऑलरेडी उठ चुका था, बट फिर से ये अभी चल रहा है, तो देखते हैं इसका जो लास्ट है कितना लास्टिंग करता है ये जो हैशटैग बॉयकॉट जीरोधा है। राइट, रीज़न क्या है ये जो हैशटैग चलने का, आपको बता दूं कि ये जो जुबैर खान है बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, जो सब लोग को एक्सपोज कर रहे थे कि जो PNL एडिट वगैरह जो चल रही थी, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बॉयकॉट जीरोधा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और इन्होंने जो है एक मीटिंग किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो पर्सन है मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बट शायद तक कोई जीरोधा का ही ये मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको वीडियो को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने जो है फुल रिकॉर्ड डाला है।
ठीक है, तो ये आप रिकॉर्डिंग देख लो कि इसके अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डायरेक्टली देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये जो बंदा है ज़ीरोधा का किस तरीके से वो बात करने का तरीका है और टोटल कंट्रोवर्सी किसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, सब कुछ आप यहाँ पे समझ पाओगे। और ब्रोकर का इस तरीके का जो एटीट्यूड है मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो कि हाँ मुझे अच्छा लगता है। आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बोल देना। ठीक है, तो ये था टोटली कहानी इसके पीछे कि क्या है क्या नहीं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ब्रोकर से तो हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो देखते हैं क्या होता है बाद में। और अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन मांगना चाहते हो तो फिर देखो यार, पहले तो मैं खुद ज़ीरोधा यूज़ करता था बट मुझे उतना वो अच्छा नहीं लगा। और अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन GTT फीचर वगैरह तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे पहले तो मैं खुद ज़ीरोधा यूज़ करता था, अच्छा लगा कि ज़ीरोधा जो है मुझे उतना वो अच्छा नहीं लगा टाई अप का, तो वहाँ पर जो GTT फीचर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सेस मिल जाता था, हाँ, तो वो चीज़ आपको अच्छा लगा कि ज़ीरोधा जो है उन लोग भी सेंसिबल के साथ टाई अप किया है, तो सेंसिबल के जो ऑप्शन वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, ईजी एक्सेस। तो बस यही चीज़ था, तो वो चीज़ आपको मेरे जितने भी फंड्स थे मैंने तो ज़ीरोधा पे भी जो करी ऑफ एक्सेस अभी आपको जीरो सेंसिबल की तरफ जीरो बैलेंस आप देख ट्राई कर सकते हो। और बस यही चीज था जो मेरा अभी चल रहा चीज़ था, तो मैं तीन ब्रोकर्स को भी रेफर करूंगा, जैसे कि सबसे पहले नंबर वन भी आपको जीरो धन पे ही है, मतलब जीरो बैलेंस, दूसरा अपस्टॉक्स पे ही है क्योंकि अपस्टॉक्स पे मैं वहाँ पे जो मेरा अभी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो और तीसरा अगर ब्रोकर्स को भी फायर कर और फायर के सबसे पहले नंबर चार्ट के लिए बहुत अच्छा धन पे ही है फायर पे, दूसरा अब मैंने फायर को जो है स्टॉक्स पे मैं वहां पे GTT और आप ज्यादा यूज GTT वाला फीचर है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो फायर स्टॉक्स की तरह जैसे, तो उसमें चार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हमें जल्द ही इस चीज को देखने को मिलेगा। मैंने उसको यूजर मैंने फायर को जो है रिक्वेस्ट भी किया था, बस यही सारी चीजें चल रही है और उम्मीद करता हूं आपको GTT वाला फीचर है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो यूजर्स की तरह जैसे, तो उसमें इस वीडियो को जो है हमें जल्द ही, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ, बस यही सारी चीज़ें चल रही है, सब्सक्राइब जरूर कर, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ज़ीरोधा के यूजर्स अगर हो आप इसको देख लो इस वीडियो को, ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।